हेलो स्टूडेंट्स, द्रवेश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बीएड में स्किल के बारे में। ठीक है, स्किल क्या होती है कि जब प्यूपल टीचर को रियल टीचिंग में भेजा जाता है तो उससे पहले उन्हें तैयार किया जाता है माइक्रो टीचिंग करवा के। माइक्रो टीचिंग में हम टीचर को जो है उसकी स्किल को एनहेंस करने के लिए बहुत सारी स्किल सिखाते हैं। अब वो कौन कौन सी स्किल होती है? वो होती है कि लेसन को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, लेसन को एक्सप्लेन कैसे किया जाए, उस क्वेश्चनिंग कैसे की जाए, या फिर जो आप एग्जाम्पल कुछ बता रहे हो वो एग्जाम्पल के साथ कैसे बताया जाए, या फिर ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज़ करना है, या स्टेमलेस वेरिएशन जो है उसकी स्किल को कैसे एनहेंस करना है। तो ये सब स्किल उसे सिखाई जाती है। ठीक है, तो उन स्किल को हम बारी बारी से करेंगे। आज हम सबसे पहले वाली स्किल जो है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये क्या होती है? अब नॉर्मली आप लोग देखिए कि हमारा जो सिस्टम है उसमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, लगातार लेक्चर लगते हैं। इवन अगर पानी का या रिसेस टाइम है तो ब्रेक आएगा, वरना ब्रेक भी नहीं है। जस्ट मैथ का लेक्चर लगा, फिर साइंस का लग गया, फिर इंग्लिश का लग गया, फिर हिंदी का लग गया, फिर SST का लग गया। मतलब इस तरीके से ऑलमोस्ट जो है कंटिन्यूटी में लेक्चर लगते हैं। अब क्या होता है, स्टूडेंट्स का माइंड जो होता है वो क्या होता है कि पहला मान लीजिए मैथ का लेक्चर है और दूसरा हमारा साइंस का लेक्चर है। अब क्या है कि मैथ के लेक्चर में स्टूडेंट्स को जो है ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया वॉल्यूम निकालना सिखाया जा रहा है। ठीक है, अब उस टीचर ने पूरा 30 to 40 मिनट्स की मेहनत करके बच्चों के दिमाग में जो है ये बात डाल दी कि वॉल्यूम क्या है, एरिया क्या है, एरिया का स्फेयर के एरिया का क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही है। उसी टाइम घंटी बजी और घंटी बजते दूसरा टीचर आया, आते बोलता है आज हम फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि टीचर जो स्टूडेंट्स है उसके दिमाग में अभी क्या चल रहा है, उसके दिमाग में चल रहा है कि वॉल्यूम का जो है एरिया क्या है, वॉल्यूम का जो वो सॉरी स्फेयर का एरिया क्या है, जो है क्या कहते हैं सिलेंडर का क्या वॉल्यूम है। तो इस तरह की बातें उसके दिमाग में चल रही है और जस्ट उसी टाइम उसे कहे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है। तो उसके दिमाग में एकदम से सारी चीजें नहीं आ सकती। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, हम क्या करेंगे कि वो जो शिफ्ट का टाइम है एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर में जब शिफ्टिंग होती है, ठीक है, तो बच्चों का जो फिजिकल, और फिजिकल तो है ही है, मेंटल वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है मेंटली। ठीक है, अब वो बच्चे वहां पे मेंटली प्रेजेंट हो इसके लिए जब हम नया चैप्टर या नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस टाइम हम इस स्किल को यूज करते हैं, स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। लेसन का मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग में लेसन ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको टॉपिक भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी आपको वो इसी तरीके से इफेक्टिव बनाना है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टेप होते हैं, कुछ रूल होते हैं कि किस तरीके से हम किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें लेसन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन कि वो जो शिफ्टिंग है, वो एक नया चैप्टर या नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हम कुछ कंपोनेंट लेते हैं। उन कंपोनेंट से ही हमें पता लगेगा कि किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए थोड़ा पहले से ही लिखे हुए हैं कंपोनेंट। इसमें चार कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज। लेसन के इंट्रोडक्शन का मेन पार्ट जो रहता है वो यही रहता है कि बच्चे को पहले कितनी नॉलेज है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, अब एक तो आप क्लासरूम में जा रहे हैं और जाते ही आप क्या करें, बायो का मान लीजिए चैप्टर आप करवा रहे हैं, जाते ही आप कहें बच्चों बुक्स निकालो आज हम फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो बुक्स निकालें, आप बताना स्टार्ट करते हो फोटोसिंथेसिस ये होता है, इसके लिए ये कंडीशन होती है, इसकी ये प्रोसेस होती है, आपने स्टार्ट कर दिया, आप बोलते गए बोलते गए बोलते गए, बच्चों के दिमाग में अभी भी स्फेयर का एरिया, सिलेंडर की वॉल्यूम अभी दिमाग में वही घूम रहा है। ठीक है, अब क्या है कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे क्या करवाना है, ग्रेविटेशनल फोर्स करवाना है, फिजिक्स का एक टॉपिक है, ग्रेविटेशनल फोर्स करवाना है, 6th 7th 8th क्लास में करवाना है। ठीक है, कौन सी मर्जी क्लास आप चूज कर लीजिए जहाँ पे स्टार्टिंग में हमने करवाना है। आप क्या करिए, आप ऐसे कीजिए क्लास में एंट्री हुई आपकी, एंट्री होते ही वेलकम जो भी करना है स्टूडेंट को, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी करना है वो कीजिए। उसके बाद आप उन स्टूडेंट्स को बोल दीजिए आप खड़े हो जाओ। अब सारे स्टूडेंट्स एकदम से मतलब हैरान हो जाएंगे कि टीचर ने आते ही हमें खड़ा क्यों किया। ठीक है, वैसे नहीं कि वेलकम करने के लिए नहीं, वैसे ही नॉर्मली आप जाते ही बोलिए कि सब लोग खड़े हो जाएं, वो स्टूडेंट्स क्या करेंगे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स खड़े होंगे, खड़े होते हैं उनके दिमाग में एकदम से स्विच ऑन होगा कि खड़ा क्यों किया, हमारी क्या गलती थी। ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स को बोलिए कि आज मैं आपको एक मैजिक दिखाने वाली हूँ, ठीक है, या दिखाने वाला हूँ। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, देखो आप लोग अपने हाथ में, आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स को कि देखिए आपके हाथ में पेन, एक एक पेन या पेंसिल जो भी चीज़ आप अपने हाथ में उठा लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, आपने भी जो चौक या पॉइंटर या डस्टर जो भी चीज़ आपके पास है आप वो उठा लीजिए, ठीक है। आप क्या करो, 1 2 3 बोल के कह दो, मेरे 1 2 3 बोलते ही आप नीचे गिरा दोगे, सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे उसको नीचे गिरा देंगे, वो आप कहोगे जादू हो गया ना, और बच्चे कहेंगे, हंसेंगे जोर से पहले, इसमें क्या जादू हो गया, ये तो कोई जादू ही नहीं है, ठीक है। हैरान हो जाएंगे बच्चे, कुछ हंसेंगे कुछ हैरान हो जाएंगे, ये तो कोई जादू नहीं है, तो हमें भी पता है। फिर आप एक काम कीजिए, एक चीज़ और उठाइए कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स को बोल दीजिए आप अपना इरेजर उठा लें या शार्पनर उठा लें, और इसी तरीके से आप एक और चीज़ उठा लीजिए, आप एकदम से फिर नीचे गिरा दीजिए, आप कहेंगे अब हुआ जादू, वो कहेंगे नहीं सर आप क्या कर रहे हो, ये तो हमें भी पता है कि नीचे जो कोई भी चीज़ अगर हम उठाएंगे तो वो नीचे गिरेगी, ठीक है। अब क्या है कि अब आप स्टूडेंट्स को पूछोगे कि ये नीचे क्यों गिरा, इसका रीज़न बताओ। अब क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट्स को तो वो रीज़न पता होगा कि जो पृथ्वी है वो हर एक चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है हर एक चीज़ को, कुछ को नहीं पता। अब खींचती है इस बात का भी पता हो सकता है, उस वो जो पॉइंट जिसकी वजह से खींचती है वो नहीं पता उन्हें कि पृथ्वी हर एक चीज़ को अपनी तरफ क्यों खींचती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लेसन का इंट्रोडक्शन है वो स्टार्ट होगा, आप कहेंगे कि जिस वजह से धरती या पृथ्वी अपनी तरफ हर एक चीज को खींचती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके चैप्टर की इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे आपने क्या किया, आपने डेमोन्स्ट्रेशन की है, एक एक्सपेरिमेंट ने की, आपने करके दिखाई है वो चीज, ठीक है। अब ये तो हुआ, अब देखिए स्टूडेंट्स से कई बार क्या होते हैं, हम पूछ लेते हैं कि पहले उन्हें कितना पता है, ठीक है, कि बच्चों क्या तुम्हें पता है कि ऊपर से अगर कोई चीज ऊपर उठाएंगे तो वो नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीजों को जो है उनसे पूछ के और जो पॉइंट है जो लेसन है वहां तक आ सकते हो, तो वो प्रीवियस नॉलेज होती है, ठीक है। इसके लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि स्टूडेंट्स अवेयर कितने हैं, वहां पे जो है उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, या कुछ चीजें हमें ऐसे बतानी हो जो उन्होंने देखी ना हो या उनके एनवायरमेंट में नहीं हो तो किस तरीके से बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, स्टूडेंट्स को सॉरी बता रही हूँ कि जो है कम्बशन किसे कहते हैं, कि चूल्हे में एक लकड़ी डाली वो जल रही है, उससे धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है और वो लकड़ी जो है जल रही है, तो वो कम्बशन है। लेकिन जो मान लो बिग सिटी है वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कभी लकड़ी को जलते हुए देखा ही ना हो, सकता है टीवी में भी ना देखा हो, छोटे बच्चे हैं 6 7 की ध्यान ना दिया हो, ठीक है, उन्होंने गैस पे रोटी बनाते हुए देखा हो हमेशा, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे ये लकड़ी कैसे जलती है हमें नहीं पता, ठीक है। तो उन्हें किस तरीके से वो चीज़ बताओगे, किस तरीके से समझाओगे, आप सिर्फ वो बातें बताइए जो उन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट में देखी है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मैक्सिमम यूज करना होता है प्रीवियस नॉलेज का, कि उन्हें पहले कितना पता है वो उन्हीं के मुंह से निकालनी होती है कि उन्हें क्या बातें पता है। उसके बाद है यूजिंग अप्रोप्रिएट डिवाइसेस। अब देखिए जो मैंने एग्जाम्पल लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स बताने के लिए, मैंने क्या किया, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, करके दिखाया मैंने, ठीक है। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, आप स्टोरी भी बना सकते हैं कोई, आप उनको लेक्चर भी दे सकते हैं, ठीक है, आप कोई वीडियो वगैरह दिखा भी सकते हैं, कोई ऑडियो वगैरह भी सुना सकते हैं उन्हें, या कोई सामान कोई चीज़ आपके उससे रिलेटेड चीज़ है जो आप लेसन बताना चाह रहे हैं वो आप उनको दिखा के भी करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अप्रोप्रिएट डिवाइस यूज कीजिए सेकंड कंपोनेंट में। थर्ड में क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी। अब मान लीजिए आपने लेक्चर या सॉरी जो लेसन है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्या करेंगे उसके बाद, उसका नेक्स्ट टॉपिक, उसके टाइप या मेरिट डिमेरिट या वट एवर जो भी आप उसमें बताना चाह रहे हैं उस चीज को कंटिन्यूटी में रखिए। ये ना हो कि एक टॉपिक बताने के बाद नेक्स्ट टॉपिक में एकदम से जंप कर जाएं, फर्स्ट टॉपिक बताया सेकंड टॉपिक बताते टाइम जो है उन दोनों के बीच में लिंक होना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी चाहिए जो प्रीवियस नॉलेज और जो आप बता रहे हैं या जो पहले टॉपिक बता दिया उसके बाद वाला जो टॉपिक बता रहे हैं उन दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो बतानी जरूरी है, उनके बीच में रिलेशन होनी चाहिए। आप एकदम से जंप नहीं कर सकते एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में। नेक्स्ट है रेलिवेंसी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट कंपोनेंट है ये। अब देखिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है अभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाला, आप बता भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहे हो और आप करके भी वैसा ही दिखा रहे हो ताकि बच्चे वहां पे जो है मेंटली आ जाएं,
ठीक है, तो वो दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे नॉन वर्बल, तो जो बिना बोले, जैसे मैंने चोक को जस्ट गिरा दिया, मैंने उस टाइम कुछ बोला नहीं, तो वो नॉन वर्बल बिहेवियर है। उसके बाद मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स, ये देखो नीचे गिर गया, या इस तरह की कुछ वर्डिंग मैंने यूज की, वो वर्बल बिहेवियर है। तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, नॉन वर्बल और वर्बल बिहेवियर के बीच में। तो ये जो है, वैसे तो हम नॉन वर्बल जो होता है बिहेवियर टीचर का, एक और स्किल में भी यूज करेंगे, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में, तो वहां मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना रहता है। ठीक है, तो ये था स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा कॉमेंट बॉक्स में।